लोकसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही गूंजा, संसद की सुरक्षा का मुद्दा, 8 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। रक्षा मंत्री ने कहा, पास देते हुए सभी सांसद बरते सावधानी, हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। 3 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने एंटी टेरर और गैर कानूनी गतिविधियों के तहत केस किया दर्ज। संसद में सुरक्षा चूक पर लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का दिया आदेश। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दया सिंह के नेतृत्व में बनाई गई जांच कमेटी। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान हुई सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा सचिवालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा टीम से जुड़े 8 सुरक्षा कर्मचारियों को कर दिया सस्पेंड। राज्यसभा में अमर्यादित व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन निलंबित, राज्यसभा में नियम 256 के तहत टीएमसी सांसद का हुआ निलंबन। आज देश भर में मनाया जा रहा है ऊर्जा संरक्षण दिवस। हर साल 14 दिसंबर के दिन ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय सेना को रक्षा मंत्रालय की ओर से 2800 करोड़ रुपए में करीब 6400 रॉकेट की खरीद के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ये रॉकेट पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में होते हैं इस्तेमाल। भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को लेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लेंगे राजस्थान के डिप्टी सीएम पद की शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर, आजमगढ़ में सीएम अकबेलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद वे काशी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद 2 दिनों के दौरे पर 17 दिसंबर को पहुंचेंगे वाराणसी। उनके स्वागत के लिए 25 क्विंटल गुलाब का दिया गया है ऑर्डर, 2 दिन रुकने का है प्रोग्राम। बसपा सरकार में ताकतवर रहे पूर्व आईपीएस अफसर के साथ निजी कंपनी के अवैध कब्जे पर बुधवार को गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 7 में बुलडोजर चलाकर एलडीए ने 35,000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त करा ली है। अयोध्या में आनंद विहार वाया लखनऊ जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। इसके नए रैक का आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से उत्तर रेलवे को हो गया है। 16 दिसंबर को ये रैक सौंपा जाएगा। ट्रेन में 8 कोच होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी। अध्यापक व निदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। 2 घंटे की लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर और 10% नंबर इंटरव्यू के लिए। भारत में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को कल शाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक के दौरान पकड़ा गया। आरोपी फर्जी दस्तावेज की मदद से बनवाए गए पासपोर्ट के जरिए यात्रा करने जा रहा था। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। पहले प्रायोगिक और उसके बाद लिखित परीक्षाएं होंगी। मंडल व जिला स्तर की जांच कमेटी इसकी निगरानी करेगी। 22 जनवरी तक परीक्षाएं चलेंगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 264 कार 14 ई रिक्शा के पंजीकरण रद्द। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के पंजीकरण किए सस्पेंड। ये वाहन चलते दिखे तो 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों को जारी किया गया नोटिस। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कंपनी प्रबंधन को भेजा नोटिस। यूपी एसटीएफ ने 7 दिनों में मांगा जवाब। यूपी पुलिस में खिलाड़ी कोटे से सिपाहियों की भर्ती शुरू। कांस्टेबल के 546 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। 14 दिसंबर से 1 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। कांस्टेबल की 372 पदों पर और पीएससी में 174 पदों पर होगी भर्ती। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की याचिका खारिज। सुरक्षा की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अतीक का बेटा अली अहमद। कोर्ट में पेशी के समय खुद की जान को बताया था खतरा। अयोध्या में राम विवोत्सव के तहत रामायण मेला आज से होगा शुरू। रंग महल, जानकी महल, राम हर्षण कुंज व विभूति भवन सहित अन्य मंदिरों में भी उत्सव होगा शुरू।